एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक शिकारपुर में स्थित जमालपुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने ममता देवी को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 1000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 7 किलोमीटर ही है। लगभग 750 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गाँव में 293 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 125 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 8 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा एक नल रिवोर कराया गया है। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 40 विद्युत पोल, 2 ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्रधानमंत्री आवास, इज्जत घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, बारात घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ब्लॉक खुर्जा, थाना खुर्जा देहात, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, तहसील खुर्जा। इसमें हमारा गाँव स्थित है, जो न्याय पंचायत है खबरा। हमारे गाँव में 2 गाँव लगते हैं इस ग्राम पंचायत में, फराना और जमालपुर। फराने में जो काम हुए हैं वो ईंटन के भी हुए हैं और इंटरलॉकिंग भी हुई है। तो वैसे ही लिखवाऊँ जहाँ जहाँ से हुई है या जो इतना ही बहुत है। और स्कूल में हमने बाउंड्री कराई है, स्कूल में हमने लेटरिन बनवाई है, स्कूल में हमने पुताई करवाई है, स्कूल में हमने फर्नीचर बनवाया, अपनी जेब से बनवाया फर्नीचर, जिसका कोई पैसा नहीं मिला हमको आज तक दोनों स्कूलों में। दूसरे स्कूल में इंटरलॉकिंग भी लगवा दी है और टंकी लगवा दी है जमालपुर वाले स्कूल में। जमालपुर में टोटल हमने इंटरलॉकिंग लगवाई है, यहाँ खरंजा भी लगा है और इंटरलॉकिंग भी लगी है। हमने 70 लेटरिन तो जमालपुर में बनवाई है और 230 की हमारी डिमांड फराने की है, जिसमें से फराने में हम 122 बनवा चुके हैं, शेष पे काम चालू है। हमारी ये तो है हमारा प्रोग्रेस। और डिमांड है हमारी कि हमें ये जो है पंचायत घर मिलना चाहिए, हमें शमशान के लिए पैसा मिलना चाहिए। हमारे शमशान दोनों गाँव में, मुसलमान के अलग हैं, हिंदू के अलग हैं और चाटबों के अलग हैं और दर्जियों के अलग हैं, कई कास्ट हैं हमारे यहाँ पे, उनके अलग हैं। सबके लिए पैसा मिलना चाहिए लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिला। ये नाप करवा दी हमने सारे में लेकिन अभी तक उनकी बाउंड्री नहीं है, किसी में कोई भी सेट नहीं बना है। नल किसी एक शमशान में नल है, बाकी के शमशानों में नल नहीं है, उसकी डिमांड करी है। अभी तक हमें विधायक से एक नल मिला, वो भी लगाना है। ये हमारी मांग है। मकान में से लोहिया मकान आवास में एक मकान बना है, एक प्रधानमंत्री आवास में बना है और शेष की मांग करी हमें, अभी तक कोई पैसा मिला नहीं। एक का पैसा बताते हैं अप्रैल में आ जाएगा, जो पहले ही स्वीकृत है। ये चीज़ की डिमांड है कि हमने जो नाम लिखवाए हैं किसी का भी मकान हमको नहीं मिला। अब बताते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना चली है बजाय प्रधानमंत्री के, तो मुख्यमंत्री आवास योजना में भी हमने डिमांड करी है इसी तरह की कि भाई ये हमें मकान मिलने चाहिए। जो गरीब हैं, जिनकी छत टूटी हुई है, उन लोगों को मकान मिलने चाहिए जो झांपड़ी में रह रहे हैं। तो ये हमने डिमांड करी है और इस डिमांड पर अभी कितना अमल होता है, लिस्ट भी भेजिए, अब दूसरी लिस्ट भी भेजेंगे हम, कितना हमको मिलते हैं या उनकी राशन कार्ड जो धारक है यहाँ, राशन कार्ड में जितने भी राशन कार्ड के पात्र हैं उन्हें हर महीने कट जाते हैं। इसका कॉज क्या है, इसकी हमारी डिमांड लिखिएगा कि भाई ये क्यों कटते हैं, इसे हमें बताया जाए। जिनके नए राशन कार्ड बनने हैं उनके मैंने फार्म भेजे हैं लेकिन अभी तक कोई उसमें ऐड नहीं हुए। शासन से कभी कहते हैं बंद है, कभी कहते हैं खुल जाता है, इंटरनेट जो खुलता है कभी बंद होता है। पेंशन भी एक की भी नहीं बनी, जबकि मैंने 100 पेंशन भेज चुका हूँ बनवा करके, उनके आधार कार्ड लेकर के। वो ये कहते हैं कि जो इंटर्न उस पर जनसेवा केंद्र पर फीड हुआ है उसकी केवल 20 दिन की म्याद है, इस म्याद को बढ़ाया जाए।
20 दिन में तो जब वहाँ से ना बने तो उस पात्र का क्या लाभ, लाभार्थी का क्या कसूर है इसमें? इसलिए इसकी डिमांड जो बने हम भेजें उसकी कम से कम 2 महीना होनी चाहिए, जिससे कि उसे बेचारे पर दोबारा से बोझ ना पड़े। ये सारी समस्याएं वहाँ पर हमारी पहुँचाई है।